हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपके लिए ये वाला पैटर्न बना के बनाना सिखाऊंगी और इस पैटर्न से फ्लावर कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके लिए चाहिए 60 सेंटीमीटर की एक येलो कलर की स्ट्रिप और ये पिन, ये कोई भी शार्प पिन जो थिक हो उसको ले सकती हैं, एंड ग्लू। तो शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, यही पिन इसके एंड पर रखनी है और इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको रोल कर लेना है। ये देखिए, ये रोल हो गया। अब हमें इस पूरी स्ट्रिप को बहुत स्लाइटली, प्रेशर नहीं लगाना फिंगर से, और हमें रोल कर लेना है और इसे बराबर कर लें, फिर रोल करना है और फिर इसे बराबर कर लें। मैंने इसे कम्प्लीटली रोल कर लिया है, ये देखिए अदर एंड तक। अब हम क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। ये देखिए रिलीज़ हो गया, इसका पैटर्न बहुत अच्छे से खुल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। थोड़ा सा ग्लू लगाया और इसके लिए हमें थोड़ा बड़ा सर्कल चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा सर्कल बना के दो प्लेस करेंगे। कैसे कर लिया, ये हो गया, ये बन गया पैटर्न, सर्कल बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हाफ सर्कल बनाने के लिए इसे इस कोने से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया, इसे यहाँ पे मैंने बीच में पकड़ रखा था और ये यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया। अब हम इसे यहीं पे पकड़ के रखेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, पहले इधर से फोल्ड करेंगे, इसे पकड़ के यहाँ पे, और फिर इधर से करेंगे। अब हम यहाँ पे वाली फिंगर लगाएंगे और ये देखिए, ये ऐसे बन गया। अब हमें ये बीच में जो सर्कल है इसको थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट करेंगे और यहाँ से आगे के दो जो हैं कर्व उनको कर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। इसी तरीके के 5 पैटर्न्स बनाने हैं एक फ्लावर कंप्लीट करने के लिए। मैंने यहाँ पे 5 पैटर्न बना लिए। मुझे यहाँ पर इस फ्लावर को बनाने के लिए यहाँ पे 5 पैटर्न्स चाहिए। आप इस तरीके के 5 पैटर्न्स बना लीजिए जैसे मैंने आपके लिए वाला बनाना सिखाया है। अब इसके बीच में सर्कल जो हमें बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप ले लेंगे ब्लू कलर की, या आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, और इसको यहाँ पर टाइटली हम रोल कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कर लिया, हो गया रोल थोड़ा सा। अब हम इसे टाइटली पूरा रोल कर लेंगे। ये इस वाली फिंगर को यहाँ पर रखना है इसके बराबर में ताकि ये रिलीज़ ना हो। पकड़ लेंगे, फिर यहाँ से ये वाली फिंगर देखिए यहाँ पे रखेंगे और हम इसे पूरा रोल कर लेंगे। मैंने इसे पूरा रोल कर लिया है, थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये देखिए ये बन गया। अब हमें चाहिए एक ओल्ड कार्डबोर्ड ले लेंगे इसको पेस्ट करने के लिए। मैंने इसे रख लिया यहाँ पर, जिस तरफ से इसकी यदि शार्प हो उसी से आप क्या करेंगे बनाएं। इधर से ये देखिए ऊपर नीचे हो गया और इधर से शार्प है, तो हम इसे इधर से ही बनाएंगे। क्या करेंगे, ये जो यहाँ से हमने फोल्ड किया था उसी पर हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू और लगा देते हैं ताकि ये सिक्योरली, जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम उस साइड से यूज़ कर सकते हैं इसके।